नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल ऐसा गांव में है जो पूरा हरियाणा में सरपंच बन गया है, लेकिन यू गांव मिसा जो सरपंच नहीं बना तो के कारण है, गांव के लोग हैं ता वो रही तब बातचीत करांगे, जानकारी लेंगे के कारण रहा गांव में सरपंच को नहीं बनाया। तो सरपंच हो जो गांव का हुआ है, मतलब मैन आदमी हो, जिम्मेवार आदमी हो है, तो तब और ने क्यों नहीं सरपंच बनाया, के कारण रहा है। देखो सरपंच आपने देखे गया, जो सरपंच का चुनाव हुआ है एक ज़बरदस्त चुनाव हुआ है, जिसमें हर वोटर है जो अपना मतलब बढ़ चढ़ के भाग ले हुआ है, सभी एक ब्यावर का काम हो जाए नू मेला सा लाया जब सरपंच का चुनाव हुआ है, तो तब और है इनका बातचीत करांगे इस गांव में सरपंच क्यों नहीं बनया। राम राम ताऊ जी। राम राम ताऊ जी, क्या नाम आपका? होशियार सिंह भाई। ताऊ जी, गांव रोज खेड़ा जिला जींद में सरपंच क्यों नहीं बनया? भाई साहब यहाँ थोड़ी ही दिक्कत आएगी। ताऊ जी क्या दिक्कत है? ये दिक्कत आई जो जनगणना हुई नहीं 2011 में, उसमें हमारे पास एक बट्ठा है जो हमारी सीम में भी नहीं, उसकी जनगणना हमारे रोज खेड़े की जनगणना में लिखी गई। अच्छा। ना उनका वहाँ कोई वोट है, ना कोई उनका यहाँ मकान प्लाट है। जो उनके आईडी प्रूफ है, जो उनके कागज है, वो कौन से गांव के? वो बाहर के, सब बाहर को, कोई बिहार का, कोई यूपी का। अच्छा, वो लेबर है, भट्ठे भी लेबर बाहर से आती है, मतलब वो मजदूरी करने के लिए भट्ठा पाए करने के लिए आते हैं 6 महीने के लिए, फिर वो वापिस चले जाते हैं। वो जनगणना हमारे गांव के साथ जोड़ी गई, जिसके आधार पर हमारे गांव में रिजर्व दे दी, जो हाँ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे गांव में जो SC के वोट है, नो वोट है, हाँ 450 वोट सारी जनसंख्या, 450 वोटों की, 450 कुल वोट, कुल वोट है, नौ वोट SC के हैं, SC के, और 6 वोट हैं BC के। SC का सरपंच दे दिया, हालांकि उनके पास SC का कैंडिडेट नहीं है, जो 5वीं पास भी नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं उनके, मतलब कंडीशन पूरी नहीं होने पाई हुई उनकी। फिर गांव में एक वार्ड दे दिया मेमरी का SC का, एक दे दिया BC का, 6 वोटों पर। गांव ने इकट्ठा होकर फैसला कर, भाई सरपंच तो है ही नहीं, नजायज हो रहा है, हमने मेमरी का ही बहिष्कार कर दिया। और मेमरी का नहीं, हम तो ये कहाँ, इतना हमारा समाधान सरकार नहीं करती, हमें MP MLA का भी चुनाव में बहिष्कार रखेंगे। तो ताऊ जी देखो, आप कह रहे हो कि जनगणना गलत हो या जो नहीं होना था, तो आपकी क्या कुछ प्रोसेस रही है फिर प्रशासन से मिले? प्रशासन से मिले, पहले प्रशासन ने हमारी कोई सुनी नहीं, बोले हम तो लिख कर डायरेक्टर को दे देंगे। हमने आखिरी में हाई कोर्ट में अप्लीकेशन लगा दी, सटे हमने टाइम पर नहीं मिला, सटे हमने घर का बना लिया, हमने बहिष्कार कर दिया, कोई मेंबर सरपंच बनने नहीं दिया। ये हमारी 30 तारीख की पेशी है हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने सरकार पर जवाब मांगा है, इस गांव में क्या दिक्कत है, इसका दोबारा सर्वे करो। ये देखो 30 तारीख ने हाईकोर्ट और सरकार क्या करती है। तो आपने ताऊ जी एडवोकेट भी करे हो गया, हाँ? तो उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने यही कहा है, हमें सरकार को आदेश करावांगे जज से, भाई इस गांव की दोबारा सर्वे किया जाए। तो ऐसी में महिला की थी कि पुरुष की? महिला की हाँ, मतलब महिला कंडीशन पूरी नहीं पाई पिछली योजना में भी। आपने ताऊ जी चुनाव से पहले क्यों नहीं कहा ये चीज़? चुनाव से पहले हमें पता ही नहीं चला इस बात का, गुमराह कर दिए। जिस टाइम पहले 2021 में ड्रा हुआ था, उस टाइम भी हमारा रिजर्व आई थी, हमारा जो पूर्व सरपंच है वो ड्रा में शामिल था, वो BDO साहब से मिला, बोला जी हमारे गाँव में जनसंख्या नहीं है इनकी, बोला भाई चाहिए एक वोट, हमने दे दी। फिर ये 21 में इलेक्शन नहीं होया कोरोना काल के कारण, ईब जब इलेक्शन हुआ नहीं, ईब ड्रा तो ईब आया, हमें तो ईब पता चला हमारे गांव में थोपी गई है, हमने ईब हमें DC साहब से मिल लिए, DDPO को मिल लिए, BDO को मिल लिए, SDM को मिल लिए, इनने तो ये कह दिया हम तो लिख के भेज देंगे, आगे कार्रवाई होगी। हमने कार्रवाई नहीं होती दिखी नहीं, इसलिए हमने हाईकोर्ट में अपना केस दायर कर रखा है। ये देखो हाईकोर्ट सरकार तो क्या कर, हाईकोर्ट में आपने केस कब डाला था और सुनवाई उससे पहले भी, इससे पहले हुई है? हाँ, इससे पहले पिछली 21 को सुनवाई थी। क्या कुछ रहा जी उसमें? उसमें सुनवाई में उनसे ये मांगे डॉक्यूमेंट मांग ली काम के, दोबारा सर्वे करके दे भाई सरकार। तो सरपंच की तो कंडीशन पूरी नहीं थी, मेंबर हमारा गांव एक साथ है, सब ने बहिष्कार कर दिया, ना किसी तो सरपंच के कारण होया ना, वो तो बहिष्कार है नहीं, सरपंच के कारण फिर हमने मेंबरी का, सरपंच के कारण तो सरपंच का तो कैंडिडेट नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, सरपंच के कारण ही बहिष्कार होया मेंबर का भी नहीं, मेंबर का तो हमने अपने आप कराया, सरपंच के कारण फिर मेंबर बना क्या कर रहे हैं हमें, सरकार तो पूरी सरपंच नहीं है, मेंबर क्या कर लेंगे। इसलिए सारा गांव ने इकट्ठा हो गए, ये सलाह ली भाई मेमरी का बहिष्कार कर दो, सरपंच नहीं है मेंबर क्या कर लेगा, इसलिए हमने सारी पंचायत का ही बहिष्कार कर दिया। तो आप SDM साहब से मिले गए उससे पहले भी? SDM साहब ने, DC साहब ने क्या कुछ कहा? कहा था हमें तो डायरेक्टर को लिख के दे देंगे चंडीगढ़, वहाँ कोई कार्रवाई होगी जो कोई, हमारे बस की बात नहीं है।
तो अभी मतलब 30 तारीख का इंतजार है। हाँ 30 तारीख का इंतजार है। 30 तारीख देखो ये परसों आ गई 30 तारीख, हाई कोर्ट में पेशी हमारी, हाई कोर्ट क्या फैसला लेती है, क्या सरकार लेती है बताओ जी। देखो जिसमें अगर टाइम बीता जाए तो काम, देखो गांव का विकास रुका है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो अगर लेट होगा जितना भी, अगर जितना लेट होगे उतना ही गांव प्रभावित होगा। भाई साहब इसमें है गांव के सरपंच बिना सब काम विकास रुक गया, और भी काफ़ी दिक्कत आने लग रही है। किसी ने आधार कार्ड, किसी ने वोटर कार्ड, किसी ने आईडी कार्ड साइन करवाने, यहाँ तो है ही नहीं। वो पावर जाओगी वीडियो पे, एक तो हमारे गांव में पड़ोस में करवाओ काम, एक हम वीडियो को जाओ, वीडियो उस दिन नहीं पावे अगले दिन फिर जाओ। हाँ जी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस काम। तो ये कहते हैं सरकार को हमारा गांव का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। राम राम ताऊ जी। राम राम। तो आप क्या कहना चाहोगे ताऊ जी, जो अपना गांव में सरपंच नहीं बना, पूरा हरियाणा में सरपंच बन लिए हैं? हाँ बन लिए जी, मारा रह गया। एक तो ताऊ जी मोर मरवाया क्या सरपंच के लिए, चाय पी गया है, एक बाहर जाना पड़ेगा। वीडियो मिले ना मिले परेशानी तो है। मैंने को जरूरत थी जी, टांग टूटी हुई है, सरपंच मिला मेरे पास पावर नहीं है, एक दिन गया था वीडियो मिला नहीं, कल फिर जाऊंगा। अच्छा मतलब परेशानी हो रही है। परेशानी हुई है जी। बताओ सरकार तक क्या कहना चाहोगे? हमें नहीं कहना था, जल्दी जल्दी हमारा समाधान कर दो, हमारा सरपंच बना दो, सरपंच बना दो, जो काम रुक रहा है काम रुक रहा है ये जी जल्दी, यही सही है और क्या है। राम राम का भाई। आपके क्या नाम है जी? मेरा तो ये है, जो सरकार ने ये SC का रिजर्व दिया है नहीं, ये किस आधार पर दिया है? इसकी परसेंटेज होती है, 10% के ऊपर रिजर्व दिया जाता है। वोट तो 9 है, जनसंख्या टोटल 19 है, किस आधार के ऊपर दिया है? एक भट्टे की जनगणना के आधार पर, वो जनगणना को वो त्रुटि आ गई ना जनगणना के अंदर, वो त्रुटि है, वो त्रुटि को पहले ठीक कराओ। यदि फिर भी इनका अधिकार है तो हम इलेक्शन के लिए तैयार है। वोट इनके 9 है टोटल, जनसंख्या है 19, इसके आधार पर यदि इनको 9 वोटों के ही लगा रखी आपने कि 9 वोट है इसलिए चुनाव नहीं हो रहा। चुनाव नहीं हो रहा नहीं, SC की सीट दे रखी है, SC की रिजर्व सीट दे रखी है, और 9 वोट है, 9 ही टोटल वोट है इनके, और जनसंख्या के आधार पर दे तो भी टोटल इनकी 19 जनसंख्या है। वहाँ भी इनका आंकड़ा, वहाँ भी आंकड़ा फिट नहीं होता इनका, न वोटों पर होता न जनसंख्या पर होता। पिछली बार भी SC का रिजर्व वार्ड दे दिया, खाली चला गया पूरी योजना, और अब की बार वार्ड भी रिजर्व है, सरपंच भी SC रिजर्व कर दी, और एक वार्ड BC रिजर्व कर दिया, जबकि BC के 6 वोट हैं, जनसंख्या उसकी 9 है। तो इससे पहले BC का कोई मेंबर बनया है? कोई नहीं बना। SC का BC का कोई मेंबर नहीं बना पहले, लेकिन इन्होंने जो किया है, SDM साहब के पास गए, BDO के पास गए, DC के पास गए, DC से मिले, बोले भाई मैं जनगणना के आधार को नहीं छेड़ सकता, इसको तो सरकार छेड़ेगी। देखो जनगणना जो सरकार छेड़ेगी इलेक्शन के बाद में, अभी तक कोई किसी ने किसी का जू रेंगी नहीं रहेंगे तो हम भी बैठे हैं अपने ठंडा चूल्हे। तो जो बताया जा रहा है कि 98 वोट जो उरा जोड़े गए हैं उनका क्या कुछ बताया? जनगणना के अंदर जोड़ दिए, जबकि वो लेबर है भट्ठा के ऊपर और बाहर की लेबर मतलब है, यहाँ के डॉक्यूमेंट भी नहीं उनके, नहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं उनका, वो अभी परमानेंट यहाँ रहा है या वो चले जाए? वो तो आते हैं और ईंट निकालते हैं, अपना दिहाड़ी करते चले जाते हैं, वो तो सिर्फ काम करने के लिए, वो तो काम करने के लिए आते हैं लेबर। फिलहाल आप के चाहो? हम तो ये चाहेंगे जो त्रुटि है उनको ठीक करो, और उसके बाद गांव को सरकार आए, या तो त्रुटियों के ऊपर या कैसे भी सरकार आए और हमारे को संतुष्ट करे कि ये तो अधिकार इनका है। जनरल आओ या SC BC कोई भी आओ, हम नहीं कह रहे इसको, लेकिन उसके अंदर यदि इनका अधिकार बनता है तो सरकार हमें संतुष्ट करो। सरपंच कोई भी आओ, SC आओ, BC आओ, जनरल, लेकिन आपको संतुष्ट करे गाँव को, संतुष्ट करो। वो जनगणना तोड़ो पहले, हमारी 84 जो जनगणना दिखा रही है ना उसको तोड़ो, मतलब संतुष्टि चाहिए। मतलब आप ये मतलब जो भी इसमें आपने लगा है कि ये चीज़ गलत है उसको मतलब ये सिद्ध करके दिखाओ। है हमारे गांव के अंदर जो जनसंख्या है उनकी जनगणना के अंदर उसी जनसंख्या को लाओ, 19 को, 84 को नहीं 19 को लाओ, और फिर भी इनका अधिकार है। अधिकार देखो सबका, हम नहीं कह रहे किसी का अधिकार नहीं है, इसको हमें चैलेंज नहीं करते किसी को, सरकार हमारे संतुष्ट करे भाई इनका अधिकार है, लेकिन उस जनगणना को तोड़ो, 19 करो फिर अधिकार दो। अगर ये उसके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं करते हैं, इनके पास वो क्वालिफिकेशन भी नहीं है, तो ओपन दो उसको, फिर ओपन दो उसको, जनरल करो उसको।
तो ताऊ जी देखो ये प्रोसेस अगर पहले होता तो अपना सरपंच ही बन जाता। देखो इस कारण सरपंच अपना लेट हो गया, अब तक नहीं बना है, जिस तक काम भी प्रभावित होगा, गांव का विकास प्रभावित होगा, काम तो प्रभावित होगा, सभी काम प्रभावित होंगे, गांव का विकास भी रुक रहा है और गांव के अंदर जिसको जरूरत है किसी को कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करवाने की, कहीं मोहर लगवानी है या सरपंच को जाना पड़ेगा, सरपंच भी नहीं है, जाएगा कौन, भूतपूर्व क्यों जाएगा, वो तो लोकल पंचायत के हिसाब से जाएगा। असली जो 2011 में जनगणना उसी के आधार पर देखा गया है, आधार पर देखा गया है इसको, मतलब किसकी कमी मान लो ये सरकार की है, ये सरकारी कमी, सरकार की कमी है। तो अभी सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से अपील ये करना चाह रहे हैं कि हमारे गांव की सर्वे करवा करके और हमारी जनगणना को ठीक कराओ पहले, उसके बाद हमारा इलेक्शन करवाओ। तो जो गाँव में सरपंच नहीं बना फिर बाद में सरपंच बना हुआ है, बाद में सरपंच बनाओ। चलो ठीक है दादाजी। तो जींद जिला के गाँव रोजखेड़ा में और ये उस गाँव में अभी तक सरपंच नहीं बना है, गांव के लोगों ने बातचीत किया, इन्होंने बताया भी कि क्या कारण रहा है जो रिजर्व में सरपंची दी गई है और बताया कि उनके 9 वोट हैं और क्वालिफिकेशन भी नहीं हो पाया क्योंकि महिला की है यहां पर। तो पूरी जानकारी इनता लिया, गांव के लोगों का यही कहना है। तो साथियों इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिला नेक्स्ट डे में, वंदे मातरम।